नमस्कार, मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 11 जून कल के सेशन में हमने कमोडिटी मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी मंदी मार्केट में बनते हुए देखी, जहां हमने सोने चांदी के अंदर एक मिक्स व्यू आते हुए देखा। वोलेटिलिटी थी मार्केट में, हमने देखा सोने दिन के सेशन में 46,800, 850, 900 तक के भी लेवल छूते हुए दिखाई दिया, बट एंड ऑफ द डे हमने फ्लैटिश नोट के साथ ही बंद होते हुए देखे गोल्ड और सिल्वर। जिस ढंग से हमने कल भी कहा था, फेड की मीट इंपॉर्टेंट है, फेड की मीट से पहले मार्केट एक सीमित दायरे में ही रहेगा, और वैसे ही दायरा हमने कल के सेशन में देखा डिस्पाइट मार्केट में वॉलिटिटी काफी थी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमने 2.25% की तेजी आती हुई देखी, नेचुरल गैस में करीबन हमने 1.25% की तेजी आती हुई देखी। वहीं पूरे बेस मेटल में अगर आपको ध्यान हो तो कंटिन्यू पिछले महीने से हम कंटिन्यू कह रहे हैं कि कॉपर, जिंक, निकल, ये तीन कमोडिटी में हम भारी तेजी देख सकते हैं। और कल के सेशन में फ्रेश बाइंग के चलते 2.5% की तेजी के साथ कॉपर ने 450 का लेवल ब्रिज करता हुआ दिखाई दिया। वहीं जिंक ने भी 164 पे ही है, बट अभी भी टेक्निकली 158 के ऊपर जो ब्रेकआउट दिखा रहा था वो 164 से 170 तक का लेवल दिखा रहा था, और जिंक में अभी भी स्टीम बाकी है। वहीं निकल की भी बात करें तो 945 के ऊपर 970 का पहला टारगेट, और 970 पे वीकली बेस पे होल्ड करने पे 1010 तक के भी टारगेट देखने मिल जाएंगे। लेड और एल्यूमिनियम में लेड अब पॉजिटिव दिखाना चालू हो चुका है, जो 145 से 148 तक का लेवल दिखा देगा, जबकि एल्यूमिनियम 140 के हर्डल से अभी भी जूझता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कल फेड की मीट के बाद सोने और चांदी दोनों में भी एक अच्छी तेजी दिखाई है। सबसे इंपॉर्टेंट है 1750 या $1756 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट। अनलेस एंड अंटिल 1756 के ऊपर गोल्ड नहीं निकलता है, ट्रेंड फिर से वीक होने की गुंजाइश है। ओवरऑल जो इवेंट आना था वो आ चुका है, तो आज के दिन के सेशन में सोने चांदी में तेजी रहेगी, बट थोड़ा बहुत सतर्क रहकर ट्रेड करना है। चांदी भी $18 के ऊपर स्ट्रांग है, जो 1840 तक का लेवल दिखा सकती है। वहीं WTI और ब्रेंट अभी भी $40 के ऊपर ब्रेंट बना हुआ है। ओपेक के कुछ मेंबर्स ने अभी भी प्रोडक्शन कट के लिए जो सपोर्ट किया है, बट सऊदी का जो स्टेटमेंट है कि हम फर्दर प्रोडक्शन कट हमारे कोटा से नहीं करेंगे, उसके बाद हमने देखा कि प्राइसेस में दबाव है। अनलेस एंड अंटिल $40 का लेवल नहीं तोड़ता, मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं नेचुरल गैस $2 के ऊपर जाती हुई दिखाई नहीं दे रही, $1.50 के नीचे जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आज के सेशन में हो सकता है हम एक बाउंस देखें, बट जब तक 140 के ऊपर होल्ड नहीं करता या 130 का लेवल नहीं तोड़ता है, मार्केट दायरे में रहेंगे। विक्स इंडेक्स में बढ़ोतरी है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है इक्विटी मार्केट में गिरावट का रूप देखने मिल सकता है। इक्विटी मार्केट की गिरावट की वजह से भी सोने और चांदी में हम एक बाउंस कंटिन्यू देख पाएंगे। वहीं बेस मेटल में कॉपर भी एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में जो कल हमने 96 का लेवल तोड़ते हुए देखा, जिसके चलते कमोडिटी काउंटर में हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी है। वहीं अगर LME की अगर बात करें तो थिंग्स आर बीइंग मिक्स्ड, जहां पे कॉपर में आधे परसेंट की गिरावट के साथ प्राइजेस $5,900 के नीचे ट्रेड कर रहा है। जिंक में हमने तेजी देखी है, 2000 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन है। वहीं निकल, एल्यूमिनियम, लेड अच्छी तेजी के बाद मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है। 13,000 का लेवल काफी क्रुशियल रहेगा LME निकल के लिए। वहीं रुपया करीबन 75-73 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। डेटा पॉइंट की बात करें तो हमने कल के सेशन में CPI PPI का डेटा नेगेटिव आते हुए देखा, जिसकी वजह से उम्मीद थी कि बेस मेटल में गिरावट रहेगी, बट डॉलर इंडेक्स की गिरावट के चलते सोने चांदी में अच्छी तेजी आई थी। साथ में हमने मनी सप्लाई का जो डेटा देखा वो अच्छा एक्सपेक्टेड अनचेंज ही रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। न्यू लोन में भी ड्रॉप देखा है, जबकि US साइड से जो डेटा थे वो इनिशियली काफी खराब आने की वजह से कल हमने सोने चांदी में इनिशियली तेजी देखी, बट फेड स्टेटमेंट और प्रोजेक्शन में हमने देखा कि जीरो इंटरेस्ट रेट के करीब का सिनेरियो 2022 तक बना हुआ रहेगा, जिसके चलते हमने सोने और चांदी में तेजी आती हुई देखी। साथ में बजट बैलेंस की बात करें, इसमें अभी भी एक नेगेटिविटी के साथ ही ट्रेड हो रहा है, जो एक कंसर्न है, इसकी वजह से गोल्ड में तेजी आई थी। आज के डेटा पॉइंट की बात करें तो यूरो जोन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा, प्राइवेट रोड पेरोल का डेटा रहेगा, और यूरो जोन की मीटिंग रहेगी। वहीं US से कोर PPI PPI और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है, जो डॉलर के लिए अच्छा है। अगर डॉलर टूटता है तो सोने चांदी में डॉलर के लिए अच्छा है, डॉलर में अगर गेन आता है तो सोने चांदी में प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है शाम को 6 बजे के करीब। वहीं नेचुरल गैस की इन्वेंट्री में ड्रॉप आ रहा है, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर सकता है। ओवरऑल आज के सेशन में हमने देखा कि सोने चांदी में फेड की वजह से हमने तेजी आते हुए देख पा रहे हैं। क्रूड के अंदर हमने देखा कि